तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो है मार्केट्स के ऊपर, एक जनरल अपडेट है कि फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ईपीएनएस, सो मोर ऑन दैट लेटर इन दिस वीडियो। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग अभी मेरा जो स्क्रीन है वो देख पा रहे हो। बेसिकली यहाँ पे मेरे को यही चीज आप सबको क्लियर करना है कि जो मार्केट है वो अभी तो काफी ज्यादा बेयरिश हो रहा है। इसको अगर मैं ना भी बोलूँ, सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट। और इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या यूजुअल एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम ऑल ट्रेडर्स, उस बारे में ये वीडियो मोस्टली होने वाला है। सो अगर आप लोग टॉप 10 कॉइन्स को देखोगे, यू नो फॉर द 7 डे परसेंटेज, सारे के सारे जितने भी ये कॉइन्स है, यू नो सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, कार्डानो, ये सारे जो है अभी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। और सिर्फ कॉइन्स की ये बात नहीं है, अगर हम लोग बड़े बड़े टॉप टेक जाइंट्स की भी बात करें, कंपनीज लाइक Amazon, Netflix, Facebook एंड ऑल ऑफ दोज बिग कंपनीज, तो इनके भी जो शेयर है वो काफी हद तक करेक्ट हो रहे हैं। और जो प्राइसेस है वो लिटरली मतलब इन्वेस्टर्स को शॉक दे रहे हैं कि भाई इतना करेक्शन कैसे आ गया। सो इफ वी लुक एट द ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स राइट नाउ, यहाँ पे जो टोटल मार्केट कैप है आपको पता होगा, कुछ ही दिन पहले उसने $2 trillion को फिर से एक बार क्रॉस किया था, बट अभी फिर से वो नीचे आके अराउंड $1.7 trillion तक रह चुका है। तो इसी के चलते हुए जो ओवरऑल मार्केट कैप है अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, आप वो देखो, वो भी काफी नीचे आ चुका है। आई थिंक अराउंड $1 trillion रह चुका है, बाकी का सारा कुछ जो है वो वाइप ऑफ हो चुका है। सो राइट नाउ व्हाट वी ऑल कैन एक्सपेक्ट इज कि जितने भी ये ऑल्ट कॉइन्स है वो सारे अभी करेक्ट होंगे इन द नियर शॉर्ट टर्म। ओवरऑल जो मार्केट में यू नो एक्सेस लिक्विडिटी था, क्योंकि वो अभी निकल रहा है बिकॉज ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो सारे ये जो हमको करेक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। बट दिस इज नॉट दी ओनली रीजन, यहाँ पे आप टेक स्टॉक्स को देखो, दिस इज अनदर केस ओनली। यहाँ पे जो नेटफ्लिक्स के शेयर है वो अगर हम लोग मेजर करें तो यहाँ पे आई थिंक इट हैज ड्रॉप्ड बाई मोर देन 70%, या तो ये लगभग 72% क्रैश हो चुका है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई प्राइस ऑफ $635। राइट नाउ इट इज सिटिंग एट $190। तो नेटफ्लिक्स शेयर्स आर एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी राइट फॉर नाउ। यहाँ पे अमेजोन के भी जो स्टॉक्स है वो भी अभी क्रैश हो रहा है। यहाँ पे इसका भी अगर हम लोग मेजर करें द रिट्रेसमेंट एक्चुअली, सो फ्रॉम हियर टू दिस प्राइस इट इज ऑलमोस्ट 33%। तो यहाँ पे ये जितने भी यार करेक्शंस है, दीज आर ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट्स राइट नाउ। एक तरफ वहाँ पे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ चुका है, यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ चुका है, आई एम श्योर यू ऑल नो दैट। एंड इसी के चलते हुए जो मार्केट्स है वो काफी वोलेटाइल है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है, सो यूएस का सेंट्रल बैंक बेसिकली, तो उन्होंने यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिक इंटरेस्ट रेट्स को देखोगे, सो राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अराउंड 0.33% फेडरल फंड रेट। ये वो रेट है जिस पे बैंक्स को लोन मिलता है यूएस पे, बेसिकली काफी टाइम तक ये 0% था ऑलमोस्ट। बट हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जो जब भी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाती है, मार्केट्स में करेक्शन आता है। तो यहाँ तक तो हम लोग नहीं पहुंचेंगे, आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दैट, क्योंकि अभी लाइक 22% इंटरेस्ट रेट्स यूएस में इट्स हाईली अनलाइकली। बट व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट राइट नाउ इज दैट कि जो स्टॉक्स है, जो इक्विटीज है और जो क्रिप्टो है, वो थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा इन द मीन टर्म। और यहाँ पे सारे मार्केट्स जो इक्वली अफेक्टेड होंगे। इंडिया का जो निफ्टी अगर आप देखोगे, वो अभी मतलब लास्ट ईयर एक काफी अच्छा बुल रन था, और अभी वो फिलहाल साइडवेज ट्रेड कर रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 15,000 and 18,200। तो ये भी जो डेटा है वो भी आप ट्रेडिंग व्यू पे आके इजीली देख सकते हो, एक साइडवेज मार्केट में भी हम लोग चल रहे हैं। एंड अगर मैं लास्टली बात करूँ इंडियन एक्सचेंजेस की, आफ्टर दी 30% टैक्स लॉज एंड ऑल, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है यहाँ पे वजीरेक्स का आप देखो, लास्ट 24 आवर वॉल्यूम से सिर्फ $26 million। अब नॉर्मल इन्वेस्टर्स को लगेगा यार ये तो ठीक ही है, मतलब $26 million क्या होता है, बट अगर हम इसको ऑल टाइम चार्ट देखें जस्ट फॉर कंपेरिजन की लास्ट ईयर मार्केट कैसा था, यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे बुल रन के टाइम पे हर दिन का जो वॉल्यूम था वो लगभग $400 million टच कर रहा था कुछ कुछ दिनों में, और लाइक एवरेज अराउंड $250 to $300 million का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम था। बट आफ्टर टैक्सेस यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं फॉर जस्ट लाइक $27 million इन अ ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये काफी हद तक सिमिलर है बिफोर दी 2021 बुल रन।
जैसे कि यहाँ पे आप देखो दिसंबर 2020 में जो वॉल्यूम था वो 18 से 25 मिलियन डॉलर्स के बीच में था, फिर सडनली ये स्पाइक आया एंड राइट नाउ वी आर ओवर यार। ये बात होगी वज़ीरेक्स की। सिमिलरली अगर हम लोग कॉइनडीसीएक्स की बात करें, लास्ट 24 आवर वॉल्यूम है 7.5 मिलियन डॉलर्स का। यहाँ पे अगर आप ऑल टाइम वॉल्यूम देखोगे, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द मार्केट कंडीशंस बिफोर 2021 बुल रन। और इट इज रियली बैड फॉर एक्सचेंजेस, क्योंकि जो टैक्स लॉज है इसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली भी पैनिक कर रहे हैं। वो लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि 30% टैक्स इज लिटरली वेरी हाई फॉर द एवरेज इन्वेस्टर। और इसी के साथ जो लाइक डिपॉजिट के ऑप्शंस है, आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है बैंकिंग का, एंड यू नो ऑल दैट थिंग इज इट्स मेकिंग इट रियली टफ फॉर द एवरेज इन्वेस्टर टू गो अराउंड एंड जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोर द क्रिप्टो इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आई एम श्योर काफ़ी एक्सचेंजेस ने ऑल्टरनेट राउट्स ऑलरेडी ढूंढ लिया है, बट दिस इज वॉट इज अफेक्टिंग द मार्केट राइट नाउ। एंड जेड पे का भी अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइक लास्ट 24 आवर्स वॉल्यूम है अराउंड 3.8 मिलियन डॉलर्स का, बट फॉर ऑल टाइम रेंजेस इट इज आई थिंक वेरी लो कम्पेयर टू दैट। तो हाँ, ऑब्वियसली इट इज जस्ट सिमिलर टू ऑल अदर इंडियन एक्सचेंजेस। तो दिस इज वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ। ओवरऑल अगर आप इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो में या फिर इक्विटीज में, अगर आप अभी सोच रहे हो एक पोजिशन लेने का या फिर आपको अगर इन्वेस्ट करना है राइट नाउ, तो सो राइट नाउ यहाँ पे अगर आप SIPs कर रहे हो ऑन योर म्यूचुअल फंड्स और इवन इन क्रिप्टो, तो आप उसको कंटिन्यू करो, उसको बंद मत करो। और इसी के साथ यार, बल्क में लमसम इन्वेस्टमेंट्स अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप करना चाहते हो तो अभी उस कैश को किसी और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दो, थिंग्स लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल। तो आप उनको देख सकते हो जब तक मार्केट कंडीशंस थोड़ा सा और स्टेबल नहीं हो जाती है। एंड लास्टली इफ यू टॉक अबाउट EPNS, सो EPNS इज अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर ऑल डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस एंड फॉर पीपल लाइक यू एंड मी टू टर्न ऑन नोटिफिकेशंस फॉर आवर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑन अ डेक्स। EPNS में हम लोग बहुत सारे सर्विसेज के लिए नोटिफिकेशंस इनेबल कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी ENS के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करके रखा है। यहाँ पे स्नैपशॉट्स का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे बैंक के प्रोटोकॉल है, आई थिंक DYDX भी है। तो ये जितने भी डेक्सेस है इनके नोटिफिकेशंस आप ऑन कर सकते हो थ्रू योर वॉलेट। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, इट्स टोटली फ्री टू यूज राइट नाउ। और एक कम्युनिकेशन लेयर है फॉर ऑल Web3 एप्लीकेशन, सो डेफिनेटली चेक देम आउट थ्रू द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो इतना ही रहेगा, मुझे बताना कॉमेंट्स में वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी आप कोई कॉइन वगैरह खरीद रहे हो सो वो भी शेयर कर देना कॉमेंट्स में क्यों खरीद रहे हो, और बाकी सबकी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।